मेरा ऊपर सब नजर लगा हुआ था, हंसा हुआ था चौथ में हमको, ये रबर लगा रहे बोलते पैर से निकलता है, हम लोग देखा नहीं। हमको निक नेम दिया है रबर में अरुणाचल प्रदेश। ये है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर ओजिंग आजे, जिन्हें रबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली अरुणाचल में रबर प्लांटेशन को बाहर से लेके यहाँ इनिशिएट मैंने किया था। मिस्टर ओजिंग के ही एक कैरेलियन दोस्त के आइडिया से उन्होंने अरुणाचल में रबर प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया। वो उनिकिशन बोल के एक यूटीसी था पीडब्ल्यूडी में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा साथ दिया और उन्हें हमको कहाँ से सपोलिंग जो स्टैम्प पुली कहाँ से मिलना है, कहाँ किसका साथ ये करस्पोंडेंट करना है, सारा चीज उसने रास्ता हमको दिखाया। मिस्टर ओजिंग ने रबर सैपलिंग नर्सरी 1993 में शुरू किया और 94 में प्लांटेशन। वो अब 8 हेक्टर्स प्लांटेशन एरिया ओन करते हैं। 94 में जो प्लांटेशन लगाया 1 हेक्टर लगभग इतना ही हम प्लांटेशन किया। 3-4 महीने टैपिंग करने के बाद उन्हें 4 लाख तक का फायदा होता है। अभी हम लोग देख रहा है जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये बगान में तो मोर देन 3 लैक्स 50,000 4 लैक्स ऐसा आता है, और अगर हम 8 महीना अगर टैपिंग करेगा इसे डबल होगा। ये ही नहीं, इन पेड़ों को टैपिंग के बाद टिम्बर, फायरवुड या फर्नीचर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि रबर प्लांटेशन के जरिए वो बहुत से लोगों को काम दिला सकते हैं, जो कि एक दिन में 3,000 तक कमा सकते हैं। एक ये था एडिटर था वो, लेकिन हमको बुला बुला के ईटानगर में भी ले गया और ये नॉर्थ ईस्ट दूरदर्शन में भी इंटरव्यू लिया। उसके बाद उसने हमको डिक्लेयर किया ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश निक नेम दिया है। बस्ती का जितना अनएम्प्लॉयड यूथ लोग है जो पढ़ाई वढ़ाई सर के नौकरी नहीं है, ये टैपिंग ट्रेनिंग दिया है, प्रोसेसिंग ट्रेनिंग दिया है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट कर रहे हैं, ये सब यही काम करके उन लोग अपना लाइफ को इनकम करके गुजर रहे हैं। एक समृद्ध किसान होने के नाते मिस्टर ओजिंग चाहते हैं कि उनके गांव वाले भी उन्हीं की तरह रबर प्लांटेशन करें और आमदनी का नया जरिया अपनाएं। ओजिंग आजे हमारे लिए एक विकसित किसान का लाजवाब उदाहरण है।